नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाशीय पंपन विधि होती क्या है, उससे पहले मित स्थायी ऊर्जा स्तर क्या होता है, और हमने पढ़ा था होलोग्राफी क्या होती है। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि लेजर के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा अपने सिलेबस में जो लेजर के प्रकार है वो तीन है, और वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो है अपने पास वो है रूबी लेजर। पहला कौन सा है? रूबी लेजर। दूसरा जो अपने पास है वो हीलियम नियोन लेजर, HENE लेजर। और तीसरा जो अपने पास है वो है CO2 लेजर। ये तीन अपने चैप्टर में है या अपने यूनिट में है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? रूबी लेजर, HENE लेजर एंड होलो CO2 लेजर। आज हम बात करते हैं, सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? रूबी लेजर। कौन सा है बेटा अपने पास पहला टॉपिक है? रूबी लेजर। तो बेटा देखो रूबी लेजर में होता क्या है। रूबी लेजर में जो कार्यकारी अवयव होता है, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? कार्यकारी अवयव की बात करेंगे। तो रूबी लेजर का जो कार्यकारी अवयव होता है वो बेटा गुलाबी रूबी होता है। कार्यकारी अवयव इसका क्या होता है? गुलाबी रूबी होता है, इसको लिखते हैं Al2O3। ये होता है इसका कार्यकारी अवयव, गुलाबी रूबी। ठीक है, इसमें बेटा एल्यूमिनियम के कुछ परमाणु क्या करते हैं? Al2O3 है, तो इसमें एल्यूमिनियम के कुछ परमाणु हम क्या करते हैं? हटा देते हैं, और उसकी जगह हम क्रोमियम की अशुद्धि जोड़ देते हैं। किसकी अशुद्धि जोड़ते हैं यहाँ पर? क्रोमियम की अशुद्धि जोड़ते हैं। इस क्रोमियम की अशुद्धि का प्रतिशत कितना होता है? ये होता है 0.5%। मतलब इस कार्यकारी अवयव में, इस गुलाबी रूबी में से हम कुछ एल्यूमिनियम परमाणु को हटाकर उनकी जगह क्रोमियम की क्या जोड़ देते हैं? अशुद्धि जोड़ देते हैं। और वह अशुद्धि कितने प्रतिशत होती है? 0.5% होती है। ठीक है, और इसी के कारण बेटा, इस क्रोमियम के कारण ही ये जो अपने पास छड़ होती है, जो अपने पास क्रिस्टल होता है, इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। इसलिए इसको गुलाबी रूबी बोलते हैं। किसके कारण हुआ ये? इस क्रोमियम की अशुद्धि के कारण। यहाँ पर बेटा होता क्या है, जो आयन स्पेक्ट्रम होता है, देखो प्रकाश के 7 रंग होते हैं, प्रकाश के 7 रंगों में से आयन स्पेक्ट्रम जो होता है वो करता क्या है? पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, पराबैंगनी। इसके अलावा पीले और हरे रंग की किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। आयन स्पेक्ट्रम क्या करेगा? इन तीन रंगों की किरणों को तो अवशोषित कर लेता है, और नीले और लाल रंग की किरणों को, नीले व लाल रंग की किरणों को पारदृश्य कर देता है। मतलब हम उसके आर पार देख सकते हैं। कौन करता है ये काम? यहाँ पर आयन स्पेक्ट्रम करता है। अब देखो रूबी लेजर में होता क्या बेटा? रूबी लेजर में एक रूबी की छड़ होती है, बीच में लगी हुई रूबी की छड़, ठीक है। इस रूबी की छड़ को एक कांच की नली में रखा गया, ये एक कांच की नली जिसमें जल प्रवाहित हो रहा था अपना, इस कांच की नली में इसको क्या कर दिया गया? रखा गया है, और जिस पर एक सर्पिलाकार तार लपेटा गया। ये कैसा तार है बेटा? सर्पिलाकार तार इस पर क्या कर दिया? लपेट दिया। और बेटा इसमें उष्मा जो होती है वो अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, और उस उष्मा को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें जल प्रवाहित करते हैं। और देखो जब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। शक्ति प्रदाय के द्वारा इसको शक्ति प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नली में क्या उत्पन्न होती है? सर्पिलाकार नली में या तार में उष्मा उत्पन्न होती है, और ये उष्मा इस नली में प्रवाहित होती है, जिसको जल की सहायता से हम कहाँ निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। बेटा ये जो हमने पढ़ा है ये होती है रूबी लेजर की बनावट। अब आते हैं हम रूबी लेजर की कार्य विधि पर। तो देखो बेटा रूबी लेजर की जो कार्य विधि है उसको इस ग्राफ के द्वारा समझेंगे हम। ये जो अपने ग्राफ बनाए इस ग्राफ के द्वारा उसको समझेंगे। तो कार्य विधि में देखो बेटा होता क्या है, रूबी लेजर की जो कार्य विधि होती है उनको तीन ऊर्जा स्तरों में हम विभाजित करते हैं, और तीन ऊर्जा स्तर उसके लिए कौन कौन से अपने पास? देख लो, ये रहा अपना मूल ऊर्जा स्तर E1, ये हो गया 3A, और ये हो गया 3B। मित स्थायी ऊर्जा स्तर हर में होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का मतलब परमाणुओं का संक्रमण नहीं होता। मतलब ये वर्ण नियम यहाँ पर क्या होता है? वर्जित होता है, ठीक है। क्योंकि बेटा क्रोमियम जो परमाणु होता है उसके मूल ऊर्जा स्तर E1 से ऊपर उसके दो चौड़े बैंड होते हैं। देख लो 3A और 3B क्या है? बैंड है कि जो कि चौड़े हैं। अब यहाँ पर क्या लगती है? समष्टि प्रतिलोमन लगता है। समष्टि प्रतिलोमन का मतलब क्या है? इनकी ऊर्जा इसकी तुलना में कैसी है? बहुत अधिक है, और ये क्या कहलाता है? समष्टि प्रतिलोमन कहलाता है। और समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था में होता क्या है बेटा?
कि जो रूबी क्रिस्टल है अपने पास, ये रहा रूबी क्रिस्टल, इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? तो इसमें जीनोन गैस प्रवाहित करते हैं। इस वाले रूबी क्रिस्टल में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? जीनोन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी अवस्था में? समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था में। और जब इसमें जीनोन गैस प्रवाहित की जाती है तो विसर्जन जो नली है, ये जो नली है अपने पास तार के चारों तरफ की, ये जो नली है विसर्जन नली है, ये कांच की जो नली है कौन सी है? ये विसर्जन नली है। इस विसर्जन नली में थोड़े समय के लिए, क्षणिक समय के लिए दीप्त प्रकाश उत्पन्न होता है। कौन सा प्रकाश उत्पन्न होता है? दीप्त प्रकाश उत्पन्न होता है। और उस दीप्त प्रकाश की अगर मैं तरंग धैर्घ्य की बात करता हूँ बेटा, और जिसकी क्रोमियम के लिए वो कितनी होती है? 5600 एंगस्ट्रॉम। ये कहाँ पर पहुंचा? 3A। इस वाले दिखा E1 से यहाँ पे चला गया अपना परमाणु क्रोमियम का। अब इसके बाद होता क्या है बेटा, ये 5600 एंगस्ट्रॉम की ये 3A था, ये हरा रंग का प्रकाश है, इस हरे रंग के प्रकाश को ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और कहाँ पर पहुंच जाता है? 3A स्तर पर पहुंच जाता है। इसके बाद होता क्या है, ये तो हो गया 5600 एंगस्ट्रॉम वाली क्रोमियम परमाणु। अब बात करते हैं जो दूसरा प्रकाश होता है वो 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन का होता है। इस 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को अवशोषित कर ये क्रोमियम परमाणु किसमें संक्रमित हो जाता है? तो ये 3B ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो। पहला वाला कहाँ पर हुआ? 5600 एंगस्ट्रॉम के हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर 3A पर चला गया। और दूसरा वाला 4100 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को अवशोषित कर कहाँ पर पहुंच गया? 3B में पहुंच गया। अब बेटा इन उत्तेजित अवस्थाओं में देखो, 3A और 3B दोनों उच्च ऊर्जा स्तर है, ये मतलब उत्तेजित अवस्था होगी यहाँ पर परमाणु की। इन उत्तेजित अवस्थाओं में जो अपने पास परमाणु होते हैं कुछ समय के लिए रहते हैं, वापस कहाँ पे आएंगे? नीचे। और वापस नीचे आने से पहले बेटा ये कहाँ पर आएंगे? मित स्थायी ऊर्जा स्तर पर। और मित स्थायी ऊर्जा स्तर क्या होता है? जिस पर वर्ण नियम वर्जित होता है, मतलब मित स्थायी ऊर्जा स्तर पर जो परमाणु है वो मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण नहीं करता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फोटोन आपतित करवाएंगे। और जब यहाँ पर फोटोन आपतित होंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो परमाणु है प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा कहाँ पर आ जाएंगे? मूल ऊर्जा स्तर पर आ जाएंगे। और बेटा जो पहला वाला था जो 3A से आया था, उसने 6943 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित किया और वो आ गया मूल ऊर्जा स्तर पर। दूसरे ने कितने का किया? 6929 का किया, और वो भी कहाँ पे आ गया? अपनी जगह पर आ गया। इस प्रकार से बेटा ये इसकी क्या होती है? कार्य विधि होती है कि कैसे यहाँ पर फोटोन उत्सर्जित होते हैं, कैसे अवशोषित। ठीक है बेटा, अगर हम इन फोटोन को, अब ये मूल ऊर्जा स्तर में वापस आ गए अपने फोटोन, अब अगर हम इन फोटोन को रूबी क्रिस्टल की जो अपने पास छड़ थी, ये वाली छड़ थी, इसके अनुदिश गति करवाते हैं तो होता क्या है? जब भी वो इसकी अनुदिश गति करेंगे तो छड़ के सिरों से क्या होंगे बेटा? परावर्तित, क्योंकि परावर्तन तल है दोनों तरफ सिरों पर, यहाँ परावर्तन तल है, इससे वो क्या होंगे? परावर्तित होते हैं। और जैसे ये फोटोन ऊर्जा अवस्था 2 के परमाणु के संपर्क में आते, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये किसके संपर्क में आते हैं? ऊर्जा अवस्था 2 के परमाणु के संपर्क में आते हैं। और यहाँ संपर्क में आने के बाद ये उत्सर्जन के पश्चात कहाँ पर पहुंचते हैं? मूल अवस्था में पहुंचते हैं। और बेटा ये होती है अपनी रूबी लेजर की कार्य विधि। इसमें बेटा इन लेजरों में कुछ नहीं है, इनका डायग्राम याद होना चाहिए। और ये जो मतलब ये दोनों मेन है इनके, ये जो बनावट का डायग्राम है इसके बारे में लिखना है और इसके बारे में लिखना है कि E1 से पहले क्रोमियम परमाणु हरे रंग का प्रकाश अवशोषित कर 3A पर पहुंचा, और दूसरा जो फोटोन था उसको अवशोषित कर 3B पर पहुंचा। यहाँ से ये दोनों मित स्थायी ऊर्जा स्तर पर आते हैं, जिसे इतनी इतनी फोटोन यहाँ प्राप्तित होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा मूल ऊर्जा स्तर में वापस आ जाते हैं। बेटा अगला जो अपना है वो है हीलियम नियोन लेजर। अब बेटा देखो, हीलियम नियोन जो लेजर है, गैस लेजर है, हीलियम नियोन गैस लेजर, इसमें होता क्या है? इसमें हीलियम नियोन लेजर में होगा क्या कि 40 सेंटीमीटर लंबी, कितनी लंबी बेटा? 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 2 mm व्यास की। 40 सेंटीमीटर तो लंबी है और 2 mm व्यास की पायरेक्स कांच की बनी होती है। देख लो ये रहे, 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 mm व्यास की ये जो नली है, इनसे हीलियम नियोन लेजर बना होता है। और इसमें हीलियम और नियोन गैस का मिश्रण भरा होता है। और ये जो हीलियम और नियोन गैस का मिश्रण होता है बेटा, इसका अनुपात होता है 10:1।
अगर मतलब 10 परमाणु हीलियम गैस के आएंगे तो एक परमाणु किसका आएगा, नियोन गैस का आएगा। इस नली के दोनों सिरों पर हम करते क्या है बेटा, समतल बोरोसिलिकेट कांच की प्लेट लगा देते हैं। दोनों सिरों पर हमने ये लगा रखी, समतल बोरोसिलिकेट कांच की प्लेट, ये है कांच की प्लेट दोनों तरफ लगी हुई इस नली के। अब आगे होता क्या है, प्लेट हमने लगा दी, प्लेट के बाद देखो प्लेट प्लेट पर हमने यहाँ पर क्या लगाया है, इलेक्ट्रोड लगाया है, और इन प्लेटों को नाम क्या दिया देखो, आगे लगा दी W1 और W2, दो प्लेटें हमने लगा दी। अब देखो ये जो प्लेटें हैं ये बूस्टर कोण पर झुकी हुई है। बूस्टर कोण का मतलब पता है क्या होता है, परावर्तन परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो वो ऐसा कोण आपतन कोण कौन सा कहलाएगा, बूस्टर कोण कहलाएगा। तो ये प्लेटें कहाँ पर झुकी होती है बेटा, बूस्टर कोण पर आपस में झुकी होती हैं, तथा इससे दर्पण M1 और M2 लगे होते हैं। दोनों तरफ दर्पण लगे हैं, M1 और कौन से लगे हैं, M2 लगे। इनके मध्य में बेटा क्या रखी गई है, एक विसर्जन नली रखी गई है, और उस विसर्जन नली से होगा क्या, जो दर्पण M1 है वो तो कैसा है, पूर्णतः परावर्तक है, ये कैसा है, पूर्ण परावर्तक तल है इसका। और ये दर्पण M2 है, ये कैसा है, आंशिक परावर्तक तल का है। मतलब एक तो पूर्ण परावर्तक तल का हो गया, और दूसरा कैसा हो गया, आंशिक परावर्तक तल का हो गया। और इनके बीच बेटा तरंगे उत्सर्जित होती है। देखो यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा इनको आवृत्ति दी जाती है, जिससे ये लेजर किरणें यहाँ से क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। अब आते हैं बेटा कार्य विधि पर, कि जब नली पर हम लगे इलेक्ट्रोड के मध्य, नली पर क्या लगे हुए, देख लो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इन नली पर लगे इलेक्ट्रोड के मध्य रेडियो आवृत्ति पर उच्च विभवांतर लगाते हैं। देखो रेडियो आवृत्ति पर हमने यहाँ पर क्या लगाया है, उच्च विभवांतर लगाया है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, विसर्जन नली के अंदर जो हीलियम और नियोन मिश्रण की गैसें हैं, इसके हीलियम परमाणु और नियोन परमाणु आपस में गति करने लगते हैं। और जब ये गति करेंगे तो बेटा आपस में टकराते हैं, और टकराने के पश्चात ये कहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ से जो हीलियम परमाणु थे वो कहाँ पर चले जाते हैं, मित स्थायी ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। नली में गतिशील जो इलेक्ट्रॉन थे हीलियम के, वो कहाँ पर चले गए, मूल अवस्था से, देखो ये मूल अवस्था से कहाँ पे चले गए, मित स्थायी ऊर्जा स्तर में चले गए। और हीलियम के ये जो परमाणु होते हैं, नियोन के परमाणु से टक्कर करते हैं बेटा, करेंगे हीलियम के परमाणु किससे टक्कर करते हैं, नियोन के परमाणु से टक्कर करते हैं। और जब हीलियम के परमाणु नियोन के परमाणुओं से टक्कर करते हैं, तो होता क्या है ऐसे में अपने पास, कि हीलियम का जो परमाणु है वो अपनी ऊर्जा किसको दे देता है, नियोन के परमाणु को दे देता है। और जब बेटा वो अपनी ऊर्जा इस नियोन के परमाणु को देता है, तो देखो यहाँ तो हुआ क्या, टक्कर वाली बात करते हैं, ये जो ग्राफ मैंने बनाया इसके नीचे वाला ग्राफ इसके साइड में आता है बेटा यहाँ पे ऊपर। तो देखो हीलियम का जो परमाणु है वो टक्कर करता है, टक्कर के पश्चात ये मूल ऊर्जा स्तर से कहाँ पर पहुंच गया, मित स्थायी ऊर्जा स्तर पर पहुंच गया। और मित स्थायी ऊर्जा स्तर में F2 और F3 है, यहाँ पर परमाणुओं की टक्कर होती है, और टक्कर के पश्चात ही अपनी ऊर्जा किसको दे देता है, नियोन परमाणु को दे देता है। तो इसने अपनी ऊर्जा दे दी किसको, नियोन परमाणु को, इस वाले नियोन परमाणु को इसने अपनी ऊर्जा दे दी, ठीक है। अब नियोन परमाणु के लिए जो ऊर्जा स्तर थे वो 6 भागों में बांटे बेटा, इसके 3 थे, और इसके कितने भागों में बटे, 6 भागों में। ये ऊर्जा देखो F3 जो था, F3 के पास में, इस F3 के पास में देखो, F3 के साथ में था E6, इसके बाद E4 किसके साथ में, F2 के साथ में। तो यहां से देखो होता क्या है, जब इसके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा हो गई, तो ऊर्जा में होगा क्या बेटा, F2 पर जो टक्कर होगी वो टक्कर की कहां पर आएगा, सीधा का सीधा परमाणु E4 पर आएगा, ठीक है। E4 पर कौन से परमाणु आएंगे, जिनकी टक्कर F2 पर हुई है, और जिनकी टक्कर किस पर हुई है, F3 पर हुई है, वे परमाणु कहां पर पहुंचेंगे, तो वो पहुंचेंगे E6 पर। देख लो बेटा E6 पर परमाणु था, वो प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा कहां पर पहुंच गया, E5 पर पहुंच गया, ठीक है। और इसके अलावा वो प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा कहां पर पहुंच गया, मित स्थायी ऊर्जा स्तर में पहुंच गया, E2 E3 पर। अब बात करते हैं इस वाले की, भाई यहां से टक्कर हुई थी, मित स्थायी पर आ गए दोनों। अब E4 पर जो टक्कर हुई है, F2 की टक्कर हुई है E4 पर, तो यहां से भी परमाणु कहां पर आ गया, प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा कहां पर आ गया, मित स्थायी पर आ गया। अब यहाँ पर हम प्रेरित उत्सर्जन नहीं करते, तो यहाँ पर फोटोन की क्या करवाते हैं बेटा, फोटोन यहाँ पर लगातार आपतित करवाते हैं। और जब लगातार यहाँ पर फोटोन आपतित होंगे, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि, और जिससे इस मित स्थायी ऊर्जा स्तर से स्वतः उत्सर्जन के द्वारा परमाणु कहाँ पर आ गया, E2 ऊर्जा स्तर पर आ गया।
और दीवारों के बीच टक्कर जब खत्म हो जाती है तो यहाँ से ये स्वतः ही कहाँ पर आ जाता है, E2 से कहाँ पर आ गया, E1 यानी कि मूल ऊर्जा स्तर में क्या कर जाता है, संक्रमण कर जाता है। और बेटा ये होता है अपना हीलियम नियोन लिखा, इसलिए इसकी हो गई कार्यप्रणाली। जो मैंने आपको बताया वो वैसे का वैसा लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। तीसरा जो अपना होता है बेटा वो है CO2 लेजर। बेटा देखो CO2 लेजर की अगर मैं बनावट की बात करता हूँ तो CO2 लेजर की जो बनावट होती है उसमें होता क्या, देखो कि CO2 लेजर अपने पास जो होती है वो सक्रिय लेजर माध्यम में गैस का मिश्रण होती है। मतलब नाम CO2 लेकिन इसमें गैस का मिश्रण कौन कौन सा होता है, हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है और CO2, इन तीन गैसों का इसमें क्या होता है, मिश्रण होता है। और CO2 लेजर का जब बेटा हम निर्माण करते हैं तो इसमें एक विशिष्ट प्रकार के तीनों को मिलाकर जो पदार्थ बनता है उसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेटा दो दर्पण लगे होते हैं, एक तो पूर्ण परावर्तक दर्पण M1 होता है, एक आंशिक परावर्तक दर्पण M2 होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता क्या है कि ये जो दर्पण है इसके रजित होते हैं, मतलब इनको एक तरफ से हमने कैसा कर दें तो पुलिस वाले होते हैं, रजित पुलिस वाले होते हैं एक तरफ से ये। इसके अलावा इसमें होता क्या है देखो कि जो अपने पास रजित हो गए और इसको उच्च शक्ति जब प्रदान की जाती है तो उच्च शक्ति प्रदान करने के बाद होता क्या है कि हमने उच्च शक्ति यहाँ से प्रदान की है और यहाँ पर दो प्लेटें लगा दी, W1 और W2, दो प्लेटें हमने लगा दी है। और यहाँ से जब इनका परावर्तक होगा तो परावर्तक के पश्चात यहाँ से हमें क्या प्राप्त होंगी, देखो यहाँ से गैस आएगी, इन आपस में टकराएंगी और टकराने के पश्चात उनका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात गैस इसमें से निकलेगी और हमें क्या प्राप्त होगी, लेजर किरण पुंज यहाँ से प्राप्त होती है इसके। ये हो गई बेटा इसकी बनावट। अब देखो इसकी कार्य विधि को समझो, जो CO2 परमाणु होता है बेटा उस CO2 परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो उसके रैखिक व सममित होता है। जो CO2 अणु होता है या CO2 अणु होगा बेटा दोनों इसमें, तो CO2 जो अणु होता है वो कैसा होता है, रैखिक होता है और वो कैसा होता है, सममित होता है। सममित का मतलब एक जैसा होता है, एक आकार के होते हैं सारे के सारे। इस आधार पर बेटा होता क्या है, जब वो रैखिक और सममित होता है तो बेटा CO2 जो अणु था वो रैखिक और सममित मतलब एक आकार का होता है। इस आधार पर हम बेटा उसकी जो कंपन करवाते हैं वो तीन विधि से कंपन होते हैं। इसके कंपन कितने विधि से होते हैं, CO2 परमाणु के कंपन तीन विधि से होते हैं। और उन तीन विधियों को समझो कि तीन विधि होती है कौन कौन सी, एक होती है सममित विधि, कौन सी हो गई, एक सममित विधि, दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है अपने पास बंकन विधि, और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है असममित विधि। इन तीन विधियों से हम CO2 परमाणु का क्या करवाते हैं, कंपन करवाते हैं। देखो सममित विधि में अगर मैं बात करता हूं तो सममित विधि में होता क्या है, इस सममित विधि में परमाणु अंतरानाभिक अक्ष के सापेक्ष कंपन करता है, अंतरानाभिक अक्ष के अनुदिश क्या करता है, कंपन करता है। अगर मैं बात करूं बंकन विधि की तो बेटा बंकन विधि में क्या करता है, दोलन अंतरानाभिक अक्ष के अनुदिश कंपन करता है। इसमें तो अंतरानाभिक अक्ष के सापेक्ष करता है, इसमें दोलन अंतरानाभिक अक्ष के सापेक्ष करता है, ठीक है। और अक्ष के भी कैसा करता है, लंबवत, दोलन अंतरा अक्ष के लंबवत ये क्या करता है, कंपन करता है। और इसमें बेटा दोलन अंतरानाभिक अक्ष के सापेक्ष ये क्या करता है, कंपन करता है, मतलब ये तो समांतर है और ये कैसा है, लंबवत। ये तीन विधि होती है, ठीक है। इन तीन विधियों के आधार पर देखो सममित में क्या होगा, रेखीय परमाणु होता है तो ये तो हो गया O, ये हो गया दूसरा परमाणु C, और ये फिर से क्या हो गया O। ये होती है इसकी संरचना, किसकी संरचना होती है बेटा ये, तो ये जो संरचना है अपने पास ये होती है CO2 अणु की संरचना। यहाँ पे होता क्या देखो, अगर सममित की बात करते हैं अंतरानाभिक अक्ष की अनुदिश क्या करते हैं अपनी कंपन करते हैं, तो ये जो सी के सापेक्ष ये ओ इस प्रकार अनुदिश करेगा और ये इस तरफ करेगा। अगर दोनों अपनी अपनी दिशा में क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, तो ये कौन सा विधि कहलाती है, सममित विधि है। ये कौन सी विधि है बेटा, सममित विधि। अगर बात करें ये ओ परमाणु है, ये हो गया C परमाणु और ये हो गया O परमाणु, तो ये अंतरा दोलन अंतरा आणविक अक्ष के समांतर करते हैं, तो ये इस तरफ कर रहा है तो ये भी इस तरफ करेगा, ये इस तरफ कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, इस तरफ, मतलब दोनों के कंपन की दिशा कैसी हो, एक जैसी हो, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, ये कहलाती है सममित विधि। कौन सी कहलाती है बेटा, असममित विधि।
अब बात करते तीसरा वाला, देखो तीसरी स्थिति में क्या आएगा अपने पास, तो देखो अपने पास मान आया, देखो ये है ओ परमाणु, ये हो गया सी परमाणु, और ये फिर से हो गया ओ परमाणु, हो गया सीओ टू अणु। ये लंबवत अगर कंपन करें, ओ जो है सी के लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो कौन सी विधि होगी, ये होगी बंकन विधि। आए बेटा तीन प्रकार से ये सीओ टू अणु की जो रैखिक सम्मति थी उसके आधार पर ये तीन प्रकार से क्या करते हैं, कंपन करते हैं। हमने तीनों प्रकार के कंपनों को यहाँ पर क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद होता क्या है कि अगर हम बात करें सीओ टू लेजर में होता क्या, तो तीन विधियां अपने पास कौन कौन सी है, तीन विधि, एक तो सम्मित हो गई, दूसरी असम्मित होगी, और तीसरी क्या होगी, बंकन वाली होगी। तो देखो सीओ टू गैस लेजर में देखो सीओ टू अणु जो है वो उत्तेजित होता है, और उत्तेजित होकर कहाँ पर पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। और बेटा यहाँ पर जो उच्च ऊर्जा स्तर है वो कौन सा है, E5 हो गया, सबसे ज्यादा यहीं पर है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में सीओ टू जो अणु था वो उत्तेजित होकर पहुंच जाता है। अगर हम बात करें ऊर्जा स्तर E4 और E3, तो देखो E4 ये रहा और E3 ये रहा, इनकी ऊर्जा E5 से कम है, बिल्कुल कम है बेटा इनकी ऊर्जा E5 से। और इससे होगा क्या, देखो E5 से जो संक्रमण होगा CO2 का वो कहाँ पे हुआ, E4 पर हुआ, और दूसरा संक्रमण कहाँ पे हुआ है, E3 पर हुआ है, और इसके अलावा एक सीधा का सीधा संक्रमण कहाँ पे हो गया, मूल ऊर्जा स्तर में। ठीक है, एक तो अपने पास कहाँ पे हुआ है, E5 से ऊर्जा स्तर किस में हुआ, E4 में हुआ। E5 से ऊर्जा स्तर किस में हुआ, E3 में संक्रमण हुआ, और जिससे हमें CO2 लेजर विकिरण प्राप्त होती है। मतलब यहाँ से यहाँ पर संक्रमण और यहाँ से यहाँ पर संक्रमण जो हो रहा है, इससे हमें क्या प्राप्त होती है, CO2 लेजर विकिरण प्राप्त होती है। मतलब CO2 लेजर किरणें हमें यहाँ से क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, और जो यहाँ से बेटा किरणें प्राप्त होती है उनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो यहाँ पर देखो जब E5 से E4 में जाएगा तो प्राप्त होगी कितने की, 10.6 माइक्रोमीटर की। ठीक है, जब E5 से E3 में जाएगा तो कितनी की होगी, 9.4 माइक्रोमीटर की तरंग दैर्ध्य की हमें क्या प्राप्त होती है, यहाँ से होती है प्राप्त। बेटा अगर हम बात करते हैं लेजर के अनुप्रयोग की, तो देखो लेजर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, लेजर का उपयोग जो होता है वो कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में किया जाता है, कंप्यूटर मेमोरी में किया जाता है, लेजर का उपयोग अपना कंप्यूटर मेमोरी में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, लेजर का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है बेटा, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि कैंसर की चिकित्सा क्षेत्र में, कहाँ पर, कैंसर की जो कोशिकाएं होते हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है, किसका उपयोग, लेजर का उपयोग। तीसरा जो लेजर का उपयोग है वो मिसाइलों में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, मिसाइलों के अंदर हम लेजर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, मिसाइल और बंदूक के अंदर। चौथा जो उपयोग है लेजर का वो होलोग्राफी में किया जाता है बेटा, कल हमने पढ़ा था, तो होलोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, हमेशा लेजर का उपयोग किया जाता है। पांचवा जो लेजर का उपयोग होता है बेटा, वो संचार क्षेत्र में किया जाता है, वाहक तरंगों के रूप में, कहाँ पर किया जाता है, संचार क्षेत्र में वाहक तरंगों के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये अपने हो गए लेजर के उपयोग। और बेटा इसी के साथ क्या हुआ, जो अपनी यूनिट थी ये थर्ड जो यूनिट थी ध्रुवण, इसके दो चैप्टर थे, एक तो था ध्रुवण और दूसरा था लेजर और होलोग्राफी। तो लेजर हो गया अपना कंप्लीट, होलोग्राफी हमने कल पढ़ लिया था, ध्रुवण अपना पहले हो गया। तो इसी के साथ बेटा आपका सिलेबस हो गया खत्म। ठीक है बेटा, थैंक यू।